Hey guys, welcome to the fifth lecture of the chapter Biological Classification. I am Harish Kumar और इस lecture में हम पढ़ेंगे Eubacteria के बारे में. So let's begin. देखो, हमने कहा था कि मोनेरा, जिसे प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया भी कहते हैं, उसको अगर हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो वो दो ग्रुप में होंगे. मोनेरा किंगडम दो ग्रुप में फर्दर क्लासिफाइड है एनसीईआरटी में, एक आर्किबैक्टीरिया और एक हमारा यूबैक्टीरिया. आर्किबैक्टीरिया हमने कंप्लीट कर लिया, तो चलो अब यूबैक्टीरिया के बारे में जानते हैं. देखो, यू बैक्टीरिया जो होते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो नोन एज वॉट? दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया. दे पोजेस अ रिजिड सेल वॉल एंड फ्लैजिला इफ मोटाइल. यू बैक्टीरिया के पास एक रिजिड सेल वॉल होता है और फ्लैजिला होता है अगर वो यू बैक्टीरिया जो है, जो ट्रू बैक्टीरिया हमारा, वो अगर लोकोमोशन करता है, तो एक जगह से दूसरे जगह अगर जाता है तो उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा. जैसे ये देखो, ये हमारा एक यू बैक्टीरिया है और ये हमारा दूसरा यू बैक्टीरिया है. दोनों के पास क्या है? रिजिड सेल वॉल है, ये रिजिड सेल वॉल. और जो मोटाइल वाला है, जो लोकोमोशन करता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसके पास देखो फ्लैजिलम प्रेजेंट है. फ्लैजिला बेसिकली प्लूरल टर्म होता है. फ्लैजिलम क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही, इस यू बैक्टीरिया के पास सिर्फ एक ही फ्लैजिलम है, तो इससे हम कहेंगे सिंगुलर टर्म. फ्लैजिला क्या हो गया? सिंगुलर टर्म. ठीक है, एक हुआ तो फ्लैजिलम और बहुत सारे फ्लैजिलम हुए तो फ्लैजिला. ओके, चलो. ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन यू बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू. ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे अपना न्यूट्रिशन बनाता है यू बैक्टीरिया, कैसे अपना न्यूट्रिशन को लेता है, कहाँ से वो अपने न्यूट्रिशन का इंतजाम करता है, उसके बेसिस पे यू बैक्टीरिया को हम फर्दर तीन ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं. एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया, एक कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया और एक हेटरोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया. क्या होता है? देखो, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया दैट यूजेस लाइट एनर्जी फॉर फूड सिंथेसिस. ऐसे यू बैक्टीरिया जो लाइट का इस्तेमाल करते हैं टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, तो उन्हें हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया. एग्जाम्पल इसका ले लो ब्लू ग्रीन एल्गी. ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे यू बैक्टीरिया जो कि क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं. इसका मतलब लाइट का इस्तेमाल करते हैं अपना खाना बनाने के लिए. नेक्स्ट आया कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया. कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया दैट यूजेस केमिकल एनर्जी फॉर फूड सिंथेसिस. केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं अपना खाना बनाने के लिए, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया. जैसे कि हो गया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो कीमोसिंथेटिक होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आया तीसरा हमारा हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया. बैक्टीरिया दैट डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड. अपना खाना खुद नहीं बना रहे. देखो, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक है. ऑटो मतलब खुद का न्यूट्रिशन बना रहे, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन, ऑटो मतलब सेल्फ, खुद का न्यूट्रिशन बना रहे ये दोनों, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक. किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं कर रहे. लेकिन हेटरोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया ऐसे यू बैक्टीरिया होते हैं दैट डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड. डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेंगे, ठीक है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, डिके जो कर रहा है, जो सर रहा है, जो ऐसा ऑर्गेनिक मैटर, उसके ऊपर फीड करेंगे और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेंगे. तो ऐसे हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया को हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक हेटरोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया, जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर रहे हैं. यानी कि बेसिकली ये क्या होता है, डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को. और पैरासिटिक बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉपिक पैरासिटिक यू बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हो गए जो मान लो किसी लिविंग होस्ट में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है एज अ पैरासाइट, और वहां से उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन को क्या कर रहा है, सक कर रहा है, या फिर अपना न्यूट्रिशन को ले रहा है, एक्वायर कर रहा है. तो ऐसे यू बैक्टीरिया को हम कहते हैं हेटरोट्रॉपिक पैरासिटिक यू बैक्टीरिया, या फिर हेटरोट्रॉपिक पैरासिटिक बैक्टीरिया. अब चलो हम आते हैं अपना पहला यू बैक्टीरिया पे, जो कि है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक. ठीक है, क्या मैंने इसके बाद क्या इसका एग्जांपल दिया मैंने, ब्लू ग्रीन एल्गी. तो चलो ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानते हैं. चलो अब बात करते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया की, जो कि हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं. ठीक है, दोनों सेम ही है. ब्लू ग्रीन एल्गी आर ऑल्सो रेफर्ड एज साइनोबैक्टीरिया, या फिर साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रेफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी. अब देखो,
ब्लू ग्रीन एल्गी जो है हमारा साइनोबैक्टीरिया जो है वो है फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉप्स, यानी कि लाइट का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस करता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। यानी कि सबसे पहले हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, सबसे पहले क्या आया था, आर्किबैक्टीरिया आया था। 4.5 बिलियन ईयर वो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, हजारों साल बाद, बहुत सालों बाद फिर आर्किबैक्टीरिया आया। आर्किबैक्टीरिया के बाद आया हमारा साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया ने क्या किया, साइनोबैक्टीरिया एक तरह का क्या था, यू बैक्टीरिया, है ना, साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया, ठीक है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किया, क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉप्स है, और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया। तो हमारे प्लैनेट अर्थ पे तभी जाके ऑक्सीजन आया साइनोबैक्टीरिया के वजह से। चलो आगे देखते हैं, फोटो पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, हमारा जो साइनोबैक्टीरिया उसमें फोटो पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है, मेनली क्लोरोफिल ए, जो कि क्या करता है, फोटॉन्स को, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और उससे क्या करता है, ये फूड बनाता है साइनोबैक्टीरिया अपने लिए, और उसी प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, और सी फाइकोसाइनिन जो कि एक तरह का फाइकोबिली प्रोटीन होता है वो भी प्रेजेंट होता है। ये दो मेन पिगमेंट होते हैं जो साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। अब हमारा ये जो क्लोरोफिल ए है ना, इसके वजह से हमारा जो साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, वो ब्लू ग्रीन कलर का होता है। तो ये जो ग्रीन कलर है ना, ये क्लोरोफिल ए के वजह से आता है, क्लोरोफिल ए के वजह से। और ये जो सी फाइकोसाइनिन है उसके वजह से हमारा ब्लू कलर आता है, किसके वजह से, सी फाइकोसाइनिन जो कि एक तरह का क्या है, फाइकोबिली प्रोटीन है। नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया परफॉर्म्स ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ऑब्वियसली ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा तभी तो ऑक्सीजन आएगा, और इसमें हेल्प करता है हमारा ये क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस जब भी होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में और वहां पे ऑक्सीजन अगर प्रोड्यूस होता है, तो एक चीज ध्यान में रखना कि वहां पे ये जो क्लोरोफिल ए है ये जरूर से प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल ए मेनली ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प करता है, और इसीलिए ये प्रेजेंट होता है साइनोबैक्टीरिया में, जिसके वजह से साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं। हैबिटेट्स की बात करें अगर हमारा साइनोबैक्टीरिया की, तो एक्वेटिक यानी कि पानी में पाए जाते हैं, टेरिस्ट्रियल यानी कि सॉयल में पाए जाएंगे, ठीक है। पानी की बात करें तो मीठे पानी में, फ्रेश वाटर में, और सॉल्टी वाटर मतलब कि खारे पानी में, मैराइन वाटर में, दोनों में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर एंड सॉल्टी वाटर। सॉइल की बात करें तो ज्यादातर गीली मिट्टी में पाए जाते हैं, गीली मिट्टी, ठीक है, गीली सॉइल में। ये मैं यहाँ पे जनरल सा डायग्राम दे दिया हूँ ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया का। ये है म्यूसिलेजिनस या फिर जेलेटेनियस शीत, इसका फंक्शन क्या है अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। फिर सेल वॉल हमारा, सेल मेम्ब्रेन, ये रहा क्रोमैटोफोर्स क्या है ये मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा। राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स क्या करता है, राइबोसोम करता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और फिर ये रहा हमारा साइनोफाइशन ग्रेन्यूल, साइनोफाइशन ग्रेन्यूल क्या है ये भी मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा। फिर आया ये गैस वैक्यूल्स, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये राइबोसोम है, ठीक है, अच्छे से शायद दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा हो तुम्हें। गैस वैक्यूल्स क्या होते हैं, देखो गैस वैक्यूल्स बेसिकली मैंने क्या कहा, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये वाटर में प्रेजेंट होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। तो गैस वैक्यूल्स क्या करता है, पानी में ना जो साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको बायंसी प्रोवाइड करता है, बायंसी प्रोवाइड करता है, यानी कि बैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया को पानी में फ्लोट करने में मदद करता है, सरफेस पे या फिर पानी के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसमें फ्लोट अच्छे से कर पाए, वाटर में अच्छे से बायंसी मिले, अच्छे से फ्लोट कर पाए, इसीलिए अच्छा सा बैलेंस मिले ये हमारे साइनोबैक्टीरिया को, इसीलिए ये गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है उसमें, ये गैस वैक्यूल्स मदद करता है अच्छे बायंसी के लिए, यानी कि अच्छे से हमारा साइनोबैक्टीरिया फ्लोट कर सके पानी में। अब आया क्रोमैटोफोर्स, क्रोमैटोफोर्स अब प्रेजेंट, क्रोमैटोफोर्स क्या है, देखो पिगमेंट्स बियरिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, यानी कि पिगमेंट्स बियरिंग मतलब क्या, पहले ये देखो इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है, क्या पिगमेंट्स, मेनली क्लोरोफिल ए एंड सी फाइकोसाइनिन, ये जो दोनों पिगमेंट है ये कहाँ प्रेजेंट होगा, साइनोबैक्टीरिया के अंदर, इन क्रोमैटोफोर्स में, क्योंकि ये होता है पिगमेंट्स बियरिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन। अब देखो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन क्या होता है, बेसिकली हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है ना, देखो यहाँ से ये एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, और ये एक्सटेंड होके ये क्या होता है, रिलीज हो जाता है साइटोप्लाज्म में, ब्लू ग्रीन एल्गी के साइटोप्लाज्म में, ये देखो यहाँ पे, और फिर बनता है हमारा, क्या, क्रोमैटोफोर्स, ये रहा क्रोमैटोफोर्स जो कि सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन होते हैं, और इन्हीं में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए और सी फाइकोसाइनिन।
अब एक चीज यहां पे देखो, ये जो क्रोमेटोफोर्स है ये होते हैं एक्सेप्शन है। किस चीज का एक्सेप्शन है और क्यों एक्सेप्शन है सुनो। हमारा जो साइनोबैक्टीरिया है वो यू बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया क्या है, मोनेरा किंगडम के मेंबर है। और मैंने क्या कहा था, मोनेरा किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे सब क्या होंगे, सब होंगे प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होंगे। लेकिन यहाँ देखा जाए तो ये जो क्रोमैटोफोर्स क्या है, ये तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, राइट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, सेल मेम्ब्रेन से एक्सटेंड होके आए हैं, और कोई भी स्ट्रक्चर अंदर में मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, लेकिन क्रोमैटोफोर्स मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो इसलिए ये एक्सेप्शन है, ठीक है, इसीलिए एक्सेप्शन है। प्रोकैरियोट्स में ऐसे तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होता है, तो साइनोबैक्टीरिया में भी एब्सेंट होना चाहिए था, लेकिन क्रोमैटोफोर्स जो है वो क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, या फिर कंपार्टमेंट या फिर स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे साइनोबैक्टीरिया में, तो इसीलिए ये एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। मेम्ब्रेन यहाँ लिख देता हूँ मैं, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। चलो नेक्स्ट, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट। ये रहा साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स, क्या करता है, बेसिकली स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि एक तरह से तुम इसे कह सकते हो रिजर्व्ड फूड मटेरियल, रिजर्व्ड फूड मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। कंटेनिंग साइनोफाइशियन स्टार्च, साइनोफाइशियन स्टार्च क्या है, हमारा साइनोबैक्टीरिया का फूड मटेरियल है, जिसको कौन स्टोर करके रखा है, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स। तो हमारा जो साइनोफाइशियन स्टार्च है उसको स्टोर करके रखते हैं जिन, और ये स्टार्च इसी से हमारा साइनोबैक्टीरिया को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ठीक है, ये एक तरह से फूड है, उनका सोर्स है एनर्जी का। तो साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स में स्टोर्ड होता है साइनोफाइशियन स्टार्च। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। चलो अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तीन फॉर्म में ब्लू ग्रीन एल्गी एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर फॉर्म में, एक होता है कॉलोनियल फॉर्म में, कॉलोनी बना के रहते हैं कॉलोनियल फॉर्म में, और एक होता है फिलामेंटस फॉर्म। ध्यान रहे एक बात कि कॉलोनी फॉर्म कर लिए ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका मतलब ये नहीं कि ये मल्टी सेलुलर हो गया, ये अभी भी यूनिसेलुलर ही है, फिलामेंट में भी यूनिसेलुलर ही होते हैं। अभी मैं बताऊंगा सब कुछ क्या होता है फिलामेंटस और कॉलोनियल क्या होता है, बट इतना ध्यान रखना कि कॉलोनी भी फॉर्म कर लिए या फिलामेंट भी फॉर्म कर लिए यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी, बट वो अभी भी यूनिसेलुलर ही होते हैं, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम कहते हैं वो यू बैक्टीरिया में आते हैं, और यू बैक्टीरिया किसका मेंबर है, किंगडम मोनेरा का, और किंगडम मोनेरा में सब प्रोकैरियोट्स होते हैं, और सारे के सारे प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर होते हैं अकॉर्डिंग टू आर एच विटिकर, और हमारा एनसीईआरटी आर एच विटिकर क्लासिफिकेशन को ही फॉलो करता है। चलो यूनिसेलुलर ये रहा हमारा, ये साइनोबैक्टीरिया का डायग्राम, म्यूसीलेजिनस शीत है, ठीक है, और ये जो हमारे यूनिसेलुलर फॉर्म में जो हमारा साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी एग्जिस्ट करता है, उसका एग्जाम्पल है स्पायरुलिना, ठीक है, और यहाँ पे ये जो रीजन है, ये जो रीजन इसको कहते हैं न्यूक्लियॉइड, न्यूक्लियॉइड, और न्यूक्लियॉइड में हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, किसका, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है साइनोबैक्टीरिया का, ठीक है। अब कॉलोनी देखो, कॉलोनियल देखो, कॉलोनियल में क्या होता है, म्यूसिलेजिनस शीत जो होता है ना, जब एक साइनोबैक्टीरिया के पास दूसरा साइनोबैक्टीरिया जाता है तो दोनों का म्यूसिलेजिनस शीत या फिर जेलेटेनियस शीत जो होता है वो बहुत ही क्या कहते हैं, स्टिकी टाइप होता है, एडहेयर कर लेते हैं, चिपक जाते हैं, दो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्लूड हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया जब एक साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ऐसे कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं, किसके कारण, म्यूसिलेजिनस शीत के कारण, ठीक है। बट ध्यान में रहे अभी भी ये यूनिसेलुलर ही है, जस्ट बिकॉज कि ये ऐसे कॉलोनी फॉर्म कर लिए इसका मतलब ये नहीं कि ये अब मल्टी सेलुलर हो गया, नहीं, अभी भी ये यूनिसेलुलर ही है। एग्जाम्पल देखा जाए ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी का जो कॉलोनी बना के रहते हैं, तो हो गया एनाबेना, और ये एनाबेना और स्पायरुलिना ये जीनस है, जेनेरा है, स्पीशीज नहीं है, ठीक है। फिलामेंटस में बात करें तो देखो एनसीईआरटी में तुम्हें ये डायग्राम मिल जाएगा, ये हमारा फिलामेंटस है ब्लू, ये जो क्या कहते हैं फिलामेंट के शेप में हमारा साइनोबैक्टीरिया एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा नॉस्टॉक, नॉस्टॉक जेनरा ऐसे होते हैं, ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी है जो फिलामेंट का स्ट्रक्चर बना के फिलामेंट का शेप में, फिलामेंट के शेप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, थीके? और ये हमारा रहा म्यूसीलेजिनस शीत। और यहाँ पे देखो तुम्हें एक हेट्रोसिस्ट दिख रहा होगा, ये हेट्रोसिस्ट क्या होता है, हेट्रोसिस्ट होता है स्पेशलाइज्ड सेल्स,
स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होगा, क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, कैसे होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज देखो, यहाँ पे ये इमेज देखो, ठीक है, एक मिनट जूम करने दो। इस इमेज को देखो, ठीक है, ये यहाँ पे डॉग है जो कि एक पॉन्ड में तैर रहा है मस्त, और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर का पूरा ऐसे तुम्हें दिखता होगा, जिसको काई, तुम खुद अपने लाइफ में देखे होगे कोई कोई पॉन्ड में ऐसे काई जमा होता है ऊपर में सरफेस में ग्रीन ग्रीन कलर का। ये क्या होता है, ये होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि ब्लूम्स फॉर्म कर लेते हैं इन पॉल्यूटेड वाटर, इसको ब्लूम्स कहा जाता है। ये देखो ये जो पूरा है ब्लूम्स फॉर्म कर लेते हैं पॉल्यूटेड वाटर में, ये सब पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज है जिनमें ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट है, ये सब ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसलिए देखो ये कलर कैसा है ग्रीन टाइप का है। तो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी फॉर्म्स ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, और ये किस लिए होता है, क्योंकि म्यूसिलेजिनस शीत होता है, जब एक के कांटेक्ट में दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी आता है तो बहुत जल्दी एडहेयर कर लेते हैं, चिपक जाते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन पे, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है चलो देखते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय ब्लू ग्रीन एल्गी, देखो बेसिकली ये हमारा वही हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, हमारा फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया। इस स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है नाइट्रोजनस एंजाइम। ये नाइट्रोजनस एंजाइम क्या करता है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है नाइट्रोजनस कंपाउंड में। एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब एटमोस्फेयर पे जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है सॉइल में एयर में, उसको क्या करता है, उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है ये नाइट्रोजनस एंजाइम नाइट्रोजनस कंपाउंड में। कौन, नाइट्रोजीनस एंजाइम, किसको, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को, और किस टाइप के नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, नाइट्रेट में, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो नाइट्रेट है ये नाइट्रेट इंक्रीज कर देता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल के लिए अच्छा होता है। अब सोचो सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ गया है तो वहां पे प्लांट ग्रोथ अच्छे से होगा, क्रॉप खेती जो होगा वो अच्छे से होगा। तो एक तरह से ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो साइनोबैक्टीरिया है, वो बहुत ही अच्छा काम करता है नेचर में। और ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है क्योंकि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसमें स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होते हैं हेट्रोसिस्ट, जिनमें प्रेजेंट होता है नाइट्रोजनस एंजाइम। अच्छा ये जो कन्वर्जन होता है ना एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन का नाइट्रोजनस कंपाउंड में वाया नाइट्रोजनस एंजाइम, ये होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो ये नाइट्रोजनस एंजाइम जो अच्छे से एक्टिविटी नहीं कर पाएगा अपना, और एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो सॉइल का फर्टिलिटी नहीं बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। और ये जो हेट्रोसिस्ट है ये स्पेशलाइज्ड सेल इसलिए होते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं कि ऑक्सीजन जो है उसके लिए ये जो हेट्रोसिस्ट अंदर का कंपार्टमेंट वो परमिएबल नहीं होता, सेल के परमिएबिलिटी को ऊपर नीचे कुछ कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है अंदर में ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, ऑक्सीजन नहीं जा पाता है अंदर में, तो नाइट्रोजनस एंजाइम अपना एक्टिविटी अच्छे से करता है और एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और कौन से ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया ये काम करते हैं, नॉस्टॉक और एनाबेना। नॉस्टॉक और एनाबेना ऐसे साइनोबैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन देखा, और यहाँ पे हमने फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होता है यू बैक्टीरिया वो कंप्लीट कर लिया, साइनोबैक्टीरिया कंप्लीट हो गया। अब चलो बढ़ते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया की तरफ। चलो अब बात करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया का। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि केमिकल का यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट का यूज करते हैं केमिकल का बेसिकली, और अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं। क्या होते हैं ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, एक एग्जांपल हो गया नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया आर द टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर यू बैक्टीरिया विच आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। क्या होता है देखो, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया, हमारा एक क्या है केमिकल है इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट है अमोनिया, इंटू नाइट्राइट एंड देन लेटर नाइट्राइट को इंटू नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ये देखो यहाँ पे अमोनिया है NH3, उसका ऑक्सीडेशन किए, ऑक्सीडाइज किए किसमें, नाइट्राइट में, अमोनिया को ऑक्सीडाइज किए नाइट्राइट में, और इस प्रोसेस में जो हमारा नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया काम आया वो है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास इज द एग्जांपल ऑफ नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया विच कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्राइट।
basically which oxidizes ammonia into nitrite, and this nitrite is further oxidized by another nitrifying bacteria जो कि हमारे नाइट्रोबैक्टर, और ये क्या करते हैं नाइट्रेट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, और अगेन ये हमारा नाइट्रेट क्या है, नाइट्रेट का भी हमने देखा था, ये क्या करता है इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, तो ये सॉइल का फर्टिलिटी को इंक्रीज कर दिए, ठीक है, नाइट्रेट जो है हमारा सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर दिया, ये नाइट्रेट कहाँ से आया, अमोनिया को कन्वर्ट करके नाइट्राइट में, नाइट्राइट को कन्वर्ट करके नाइट्रेट में, ठीक है, और इससे प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो अच्छा होता है, प्लांट का ग्रोथ डेवलपमेंट जो होता है स्टिम्युलेट होता है और अच्छे से प्लांट का ग्रोथ होता है। अब एक चीज देखो, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यूजेस द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी का रिलीज होता है, ठीक है, एनर्जी का रिलीज होता है, और उस रिलीज एनर्जी को यूज करता है कौन, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यानी कि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, किस चीज के लिए, एटीपी प्रोडक्शन के लिए, अपना खुद का एनर्जी बनाने के लिए, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर क्या करता है इस प्रोसेस से जो एनर्जी रिलीज हुआ उसको यूटिलाइज करता है फॉर देयर ओन एटीपी प्रोडक्शन, तो उनको क्या हुआ इस पूरे प्रोसेस से क्या हुआ, उनको एनर्जी मिल गया, एटीपी मिल गया, ठीक है, तो यहाँ से उनको एक तरह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिल गया, तुम कह सकते हो एनर्जी मिल गया ना, हो गया बात खत्म, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यूजेस द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। नेक्स्ट एक नोट है यहाँ पे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड आयरन, ये चार न्यूट्रिएंट है इसके रिसाइकलिंग में काम आते हैं, यानी कि जो हमारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया यानी कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, ये बेसिकली नाइट्रेट, अमोनिया और नाइट्राइट पे क्या करते हैं, या फिर फॉस्फेट ले लो, फॉस्फेट, आयरन या सल्फेट, इस पे क्या करते हैं, ये जो इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट है उस पे अटैक करते हैं, ठीक है, और उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, और ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या करते हैं, वहाँ से जो उनको जो चीज़ चाहिए, जो एनर्जी रिलीज होता है उसको यूज़ कर लेते हैं खुद के एटीपी प्रोडक्शन के लिए, और जो बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयरन को रिसाइकल करते हैं यानी कि वापस सॉइल में रिलीज कर देते हैं, और जब सॉइल में ये नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस और आयरन चला गया तो ये सॉइल में वापस से क्या होता है, ये सॉइल जाके सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, और प्लांट जो होता है, प्लांट क्या करता है इन सारे मिनरल्स को जो हमारा नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयरन है उसको एब्जॉर्ब करता है इन न्यूट्रिएंट्स को और यूज़ करता है अपने ग्रोथ और अपने डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे हमने कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, एग्जांपल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जिसके दो एग्जांपल फर्दर है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टीरिया, ये दोनों क्या है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया क्या है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो कि इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट या केमिकल का यूज़ करके अपना न्यूट्रिशन बना रहे। तो यहाँ पे हमने फोटोसिंथेटिक कंप्लीट कर लिया, कीमोसिंथेटिक कंप्लीट कर लिया, अब बढ़ते हेटरोट्रॉपिक की तरफ, ठीक है, चलो अब जानते हैं हेटरोट्रॉपिक यूबैक्टीरिया के बारे में, ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक सैप्रोफाइटिक होते हैं, एक पैरासिटिक होते हैं। बेसिकली हेटरोट्रॉपिक यूबैक्टीरिया क्या होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो कि डेड या डिकेइंग मैटर पे क्या करते हैं, फीड करते हैं और वहां से अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं, या फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एज अ पैरासाइट रहते हैं और वहां से न्यूट्रिशन इस लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो कि होस्ट है वहां से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, सक करते रहते हैं, ठीक है, लेते रहते हैं वहां से। तो चलो अब हेटरोट्रॉपिक के बारे में और डिटेल में देखते हैं। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया इन नेचर, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला यू बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया अगर हम किसी को कहेंगे तो वह हमारा हेटरोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया, मोस्ट अबंडेंट यू बैक्टीरिया इन नेचर। द मेजोरिटी ऑफ हेटरोबैक्टीरिया आर डिकम्पोजर्स, यानी कि सैप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोज करते हैं, क्या होते हैं देखो, बैक्टीरिया दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ हेटरोबैक्टीरिया जो होते हैं वो डिकम्पोजर होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि ये देखो ये एनिमल है, इसका डेथ हो गया है और ये यहाँ पे डिके हो रहा है, सड़ रहा है, डेड है, या फिर ये पत्ते जो पेड़ से झड़ के नीचे सॉइल पे गिरे हैं उनके ऊपर क्या करते हैं ऐसे कॉलोनी बना लेते हैं हमारे ये सैप्रोफाइटिक हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, और वहाँ से इसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, डिकम्पोज करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, पचाते हैं, डिकम्पोज करते हैं। नेक्स्ट, सम हेटरोबैक्टीरिया आर पैथोजेंस कॉजिंग डिजीजेस, यहाँ पे हेटरोबैक्टीरिया नहीं हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होगा, समझ जाना, हेटरोट्रॉपिक।
सम हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर पैथोजेंस कॉजिंग डिजीजेस. कुछ कुछ हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं, जो पैरासिटिक होते हैं और डिजीज कॉज करते हैं, पैथोजेनिक होते हैं यानी कि पैरासिटिक होते हैं, ठीक है, डिजीज कॉजेस करते हैं. जैसे देखो ह्यूमन बींग्स में कोलेरा, टाइफॉइड और टेटनस जो होता है वो होता है किनके कारण, ये जो हेटरोट्रॉपिक पैथोजेनिक या पैरासिटिक बैक्टीरिया उनके कारण. जैसे कोलेरा कॉज करता है विब्रियो कोलेरी या फिर कोलिरे, ये होता है विब्रियो कोलेरी जो होता है, ये होते हैं ऐसे हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो ह्यूमंस में कोलेरा डिजीज कॉज करते हैं. और टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी, ये हो गए हमारे हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो कि टाइफॉइड कॉज करते हैं ह्यूमन में. और टेटनस कौन कॉज करता है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, ये तीनों के तीनों हमारे हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि डिजीज कॉज कर रहे हैं. मूविंग ऑन, प्लांट्स जैसे कि क्रॉप्स में जो हमारा जो फसल होता है उसमें डिजीज कॉज करते हैं कुछ कुछ हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, और उस डिजीज का नाम है सिट्रस कैंकर, ठीक है. सिट्रस कैंकर एक ऐसा डिजीज है जो कि प्लांट यानी क्रॉप फसल में होता है जो कि कॉज करता है हमारा हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया. कौन सा हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ज़ैंथोमोनास सिट्री, ठीक है, ज़ैंथोमोनास सिट्री, नाम ध्यान में रखना ये सब. थर्ड एनिमल्स हो गया, एनिमल्स में भी डिजीज कॉज करते हैं, फार्म्स एनिमल, फार्म में जो एनिमल्स है जैसे कैटल्स हो गया, हेन हो गया, मुर्गी वर्गी, और पेट्स यानी कि जैसे पालतू जानवर हो गया, उन सब एनिमल्स में एंथ्रैक्स डिजीज कॉज करता है कौन, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस. ये ऐसे हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है जो एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं. तो चलो यहीं पे हमने हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में जाना, अब थोड़ा यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ यू बैक्टीरिया जान लेते हैं. हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया कंप्लीट हो गया, थोड़ा यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ यू बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं कि यू बैक्टीरिया का क्या क्या यूजफुल एक्टिविटीज होता है. देखो यू बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड्स फ्रॉम मिल्क, मिल्क से दही बनाने के काम आते हैं. मिल्क है हमारा, मिल्क पे एक्ट करता है लैक्टोबैसिलस लैक्टी जो कि एक तरह का हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, जो कि क्या है हमारा यू बैक्टीरिया, ठीक है. वो क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है. नेक्स्ट यू बैक्टीरिया हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स सच एज पी. देखो ये हमारा पी प्लांट है, ठीक है, पी है, पी प्लांट, पी प्लांट के रूट नोड्यूल्स में देखो यहाँ पे रूट नोड्यूल्स में क्या है, बैक्टीरिया कॉलोनी प्रेजेंट है, ठीक है. इसको जूम करोगे तो ये रहा, ये दिख रहा है, इसमें ये बैक्टीरियम जो होता है हमारा क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है, सिंगुलर, और ये पूरा का पूरा कॉलोनी है तो ये हो गया प्लूरल, ठीक है. अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे रूट नोड्यूल्स में जो हमारा लेग्यूम्स है जैसे कि पी प्लांट जो होता है, लेग्यूमिनस प्लांट होता है, उनमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है राइजोबियम. राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एटमोस्फेयर यानी कि एटमोस्फेयर वाला नाइट्रोजन को क्या करता है, एटमोस्फेयर वाले नाइट्रोजन को क्या करता है, प्लांट को देता है, ठीक है, प्लांट को देता है. कैसे, रूट नोड्यूल्स यहाँ सॉइल है, सॉइल में क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है, ठीक है, और बदले में प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है. फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट देता है हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया को, तो दोनों का फायदा हो रहा है, सिम्बायोन्ट रिलेशनशिप है, सिम्बायोन्ट. तो बेसिकली यू बैक्टीरिया हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स सच एज पी, और ये राइजोबियम अगेन हमारा हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया. तो बेसिकली ज़्यादातर हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ही यूजफुल एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ही यूजफुल एक्टिविटीज करते हैं. तो यहाँ पे देखो कैसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है, कैसे एटमोस्फेयर का नाइट्रोजन को फिक्स करके राइजोबियम दे रहा है प्लांट को, और प्लांट बदले में फोटोसिंथेसिस करके फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट दे रहा है बैक्टीरिया को, हमारे राइजोबियम को. अगेन राइजोबियम यहाँ पे एक जीनस है, ठीक है. अब नेक्स्ट यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो हेल्पफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स को बनाने में, प्रोड्यूस करने में हमारा जो यू बैक्टीरिया है, बहुत सारे हेटरोट्रॉपिक, अगेन हेटरोट्रॉपिक यू बैक्टीरिया है, वो हेल्प करते हैं, ठीक है, किसमें, एंटीबायोटिक्स बनाने में. तो यहाँ पे हमने यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ यू बैक्टीरिया देखा और हमने फिर पूरा यू बैक्टीरिया के बारे में जाना.
तो गाइस यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। तुम्हें लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, निटोलॉजी को सोशल मीडिया पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और ट्विटर पे। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, यहाँ पे चैनल का लोगो दिख रहा होगा उस पर क्लिक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि तुम्हें नोटिफिकेशन मिले अगर मैं वीडियो अपलोड करूँ तो। और अगर तुम्हें और भी वीडियोज़ देखने हैं निटोलॉजीज़ के तो यहाँ पे वॉच मोड पे क्लिक करके और भी वीडियोज़ देख सकते हो निटोलॉजी के। चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाय, थैंक यू, टेक केयर।